ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्रा ततः यानी इसके पश्चात कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा इसके पश्चात कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते। कौपीनावशेषो मात्र लंगोट पहने हुए विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजन राजन मात्र लंगोट पहने हुए विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेश है। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। इस प्रकार ततः प्रविष्ट सकवि भुजमालोक्य अद्य मे दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणी मुमोच। ततः निश के पश्चात प्रवेश कर चुके उस कवि ने भोज को देखकर अद्य मे दारिद्र्य नाशो आज मेरी दरिद्रता का नाश भविष्य माने होगा। इसके पश्चात प्रवेश कर चुके उस कवि ने भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। इति मत्वा तुष्टो हर्षा श्रुणी मुमोच। इति नि ऐसा मत्वा मने मानकर तुष्टो मने प्रसन्न होकर हर्षा श्रुणी यानी हर्ष के आंसू मुमोच मने ढलका दिए। आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा मानकर प्रसन्न होकर हर्ष के आंसू ढलका दिए। राजा तम आलोक के प्रा राजा ने उसे देखकर कहा कभी किम रोदिशी कब क्यों रोते हो। इस प्रकार ततः कवि आ इस प्रकार कवि ने कहा राजन आकर्णे मद गृहस्थे यानी हे राजन आकर्णे मैंने सुनिए मद गृहस्थी मैंने मेरी गृहस्थी को हे राजन मेरी गृहस्थी को सुनिए। अहि लाजान उच्चै पथि वचनम आकर गृहणे शिशु करणौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना मयि क्षीणुपायो यत् कृत दृशाश्रुबहुले तद् अन्तःशल्यं मे त्वमसि पुनः उद्धर्तुम् उचितम्। पथि मणि मार्ग में ओय लाजान उच्चै ओय मणि अरे लाजा मणि खीले ले लू उच्चै मणि ऐसे ऊंचे वचन माने स्वर को आकड़े माने सुनकर गृहिणी माने मेरी पत्नी ने मार्ग में अरे खिले ले लो ऐसे ऊंचे स्वर को सुनकर मेरी पत्नी ने शिशौ माने बच्चों के करड़ऊ ने कानों को यत्नात ने प्रयत्न पूर्वक सुपिहितवती माने बंद कर दी। अतीन बदना माने मलिन मुख वाली प्रथम शब्द होगा दीन वदना माने मलिन मुख वाली गृहिणी माने मेरी पत्नी ने पथि माने मार्ग में अय माने अरे लाजान उच्चे यानी खिले ले लो ऐसे ऊंचे स्वर को सुनकर शिशु करड़ो यत्नात सुपिहितवती बच्चों के कानों को प्रयत्न पूर्वक बंद कर दी। मई छिड़ पाए चद के दिशाश्रु बोले और मई मने मुझ छेड़ पाए मने साधनहीन पर चतकृत माने जोश ने दिशा अश्रु बहुले मने अश्रुपूरित दृष्टि डाली। मुझ साधनहीन पर जोश ने अश्रुपूरित दृष्टि डाली तद अंतःशल्यम मी तुमसी उद्धर तुम उससे मेरे अंतःकरण में यानी हृदय में शल्यम माने चुभे हुए कांटे को तुमसी यानी तुम ही पुनर उद्धर तुम उचता उद्धर तुम माने निकालने में उसका माने समर्थ हो नहीं उससे मेरे हृदय में चुभे हुए कांटे को निकालने में तुम ही समर्थ हो। तो आज दीन बदना माने मलिन मुख वाली मेरी पत्नी ने मार्ग में अरे खीले ले लो ऐसे ऊंचे स्वर को सुनकर बच्चों के कानों को प्रयत्न पूर्वक बंद कर दी और मुझ साधनहीन पर जोश ने अश्रुपूरित दृष्टि डाली
उससे मेरे हृदय में चुभे हुए कांटे को निकालने में तुम्हें समर्थ हो। राजा शिव शिवीति उदीरियन प्रत्यक्षरम लक्षण त्वरितम गच्छंगे हम त्वदगृहिणी खिन्ना वर्तते। राजा शिव शिव ऐसा कहते हुए उदीरियन माने कहते हुए प्रत्यक्षरम ने प्रत्येक अक्षर पर लक्षण दत्वा ने लाख रूपये देकर त्वरितम गच्छ गे हम शीघ्र ही घर जाओ। त्वदगृहिणी खिन्ना वर्तते तुम्हारी पत्नी दुखी है। राजा शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देकर तुम शीघ्र ही घर जाओ तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा राजा भुजः श्री महेश्वरम नमतुम शिवालयम अभिगच्छत। दूसरे दिन भोज श्री माहेश्वर को नमस्कार करने के लिए शिवालय गए। तब कोई ब्राह्मण राजा शिव सन्निध हो प्रा तब कोई ब्राह्मण राजा को शिव के समीप कहा कि देवन ही राजन अर्धम दानो वैरिणाम गिरजा अपि अर्धम शिवस्य आहृतम देवित्थम जगति तले पुरहर अभाव समुमिलति गंगा सागरम अंबरम शिष्कला नगाधिपम क्षमातलम सर्वज्ञम त्वम अधिस्वर्तम त्वम अगमत त्वाम माम तो भिक्षाटनम। अर्ध दानो वैरिणाम गिरजा अपिवर्धन शिवस्य आहृतम शिवस्य यानी शिव के अर्धम माने आधे भाग को गिरजा आहृतम यानी पार्वती जी ने ले लिया और अर्धम दानो वैरिणाम अर्धम माने आधे भाग को दानवों के वैरी यानी भगवान विष्णु ने ले लिया। शिवस्य माने शिव के अर्धम माने आधे भाग को गिरजा यानी माँ पार्वती ने अहृतम माने ले लिया और अर्धम दानव वैरिणाम आधा दानवों के वैरी विष्णु ने ले लिया। देव यानी हे राजन इत्थम माने इस प्रकार जगती तल माने पृथ्वी तल पर पूर्ण माने पूर्ण रूप से हर माने शंकर जी का अभाव समुद्रती अभाव हो गया है। इस प्रकार से पृथ्वी तल पर शंकर जी का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है। गंगा सागरम गंगा सागर में चली गई हैं। शशिकला अंबरम यानी चंद्रमा की कलाएं आकाश में चली गई हैं। और नगाधिपम यानी नागों के राजा यानी शेष नाग क्षमातलम यानी रसातल में चले गए हैं। गंगा सागर में चली गई हैं, चंद्रमा की कलाएं आकाश में चली गई हैं, शेषनाग रसातल में चले गए हैं। सर्वज्ञम त्वम सर्वज्ञता त्वम सर्वज्ञतम अधिस्वर्तम त्वम सर्वज्ञता और अधिस्वरता आप में आ गई है। सर्वज्ञता और अधिस्वरता आप में आ गई है और माम तो भी छाटना और मेरे लिए तो भिक्षा मांगना आ गया है। तो शिव के आधे भाग को माँ पार्वती ने ले लिया, आधे भाग को दानवों के बैरी विष्णु ने ले लिया। हे राजन इस प्रकार पृथ्वी तल पर शंकर जी का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है। गंगा सागर में चंद्रमा की कलाएं आकाश में शेष नाग रसातल में चले गए हैं। उनकी जो सर्वज्ञता और अधिश्वरता थी तो आप में आ गई और मेरे लिए तो भिक्षा मांगना आ गया। राजा तुष्ट तस्मय प्रत्यक्षरम लक्षण ददो। राजा ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिए। अन्यदा राजा संपस्थिता सीता प्रा दूसरे दिन राजा ने उपस्थित सीता से कहा कि देवी प्रभातम वड़े हे देवी प्रभात काल का वर्णन करो। सीता प्रा सीता बोली बिरल बिरला स्थूल स्तारा कला विसर्जना मन एव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नं भूनभः अपशरति च ध्वान्तं चित्तशताम् इव दुर्जन ब्रजति च निशां क्षिप्रं लक्ष्मी अनुद्यमीनाम इव।